उत्तरकाशी में पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए जनपद में निवासरत बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस सत्यापन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। बताने की पुलिस टीमों द्वारा क्षेत्र में चलाए जा रहे अभियान के तहत बिना सत्यापन के रह रहे बाहरी व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत ही मुख्य बाजार क्षेत्र में 79 बाहरी व्यक्तियों और उनके 5 मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस अधिनियम में कार्रवाई की गई। इसके साथ ही पुलिस टीम द्वारा सभी को अपने किराएदारों के शत प्रतिशत सत्यापन करवाने के लिए जागरूक किया गया। उत्तरकाशी से संवाददाता विनीत कसवाल की रिपोर्ट। जो सत्यापन की जो कार्रवाई है, पुलिस की कार्रवाई है, वो एक नॉर्मल रेगुलर रूटीन की कार्रवाई है। इसका किसी पर्टिकुलर घटना से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे चुनाव भी बहुत करीब आ रहे हैं और चारधाम यात्रा भी चरम भी आने वाली है, तो इसी सबको दृष्टिगत रखते हुए हमने जो है एक विशेष अभियान जो है रेगुलर ड्राइव सत्यापन अभियान 15 दिन का चला रखा है, जिसमें बाहर से जितने भी व्यक्ति आए हैं, जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे उत्तरकाशी में, जो छोटी मोटी दुकानें लगा रहे हैं रेड़ी ठेड़ी वाले और जो मजदूर हैं यहाँ पे, उन सभी को हमने जो है सत्यापन में जोड़ा हुआ है। और मैं जितने भी यहाँ पे मकान मालिक हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके यहाँ जो भी किराएदार हैं उनको बिना सत्यापन के मत रखिए, और नहीं तो हम 81 पुलिस एक्ट में जो है पुलिस को चलानी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जितने भी बाहरी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन सबको सत्यापन कराना, उन सबका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है।